पिछले 3 महीने से भारत में शरण लेकर रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अब ऐसा कदम उठाया है जिससे हसीना को भारत छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ सकता है। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति में पिछले कई महीनों से उथल पुथल मची है। शेख हसीना जो कभी बांग्लादेश की ताकतवर नेता थी, आज भारत में शरण लिए बैठी हैं, क्योंकि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान हुए हिंसा और हत्याओं के आरोप उन पर लगे हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल से गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये कहानी जुलाई से शुरू होती है, जब छात्र आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वो मांग कर रहे थे कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण खत्म किया जाए। इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया और लगभग 300 लोग मारे गए। इस नरसंहार के आरोप सीधे सीधे शेख हसीना पर लगाए गए। यही वजह है कि हसीना और उनके 50 सहयोगियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने न केवल इन हत्याओं में भूमिका निभाई बल्कि राजनीतिक विरोधियों को गायब करवाया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश का एक ऐसा मंच है जहां मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई होती है। छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर कोर्ट ने हसीना को 18 नवंबर को पेशी का आदेश दिया है। भारत आने के बाद शेख हसीना ने कई यूरोपीय देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन कोई उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। अगस्त में ही हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी जोर पकड़ने लगी थी। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मुकदमा चलाने के लिए भारत से कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी। अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के हसीना की गिरफ्तारी वारंट और केस चलाने के आदेश पर भारत क्या फैसला करता है? क्या शेख हसीना को बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा? क्या हसीना की गिरफ्तारी अब लगभग तय है?